नागपुर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका ने शनिवार और रविवार के दो दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। इन दो दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन में बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, पूरी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी, सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं देने वाली जो दुकानें हैं जिसमें अनाज की जो दुकानें हैं, साथ ही साथ दूध का व्यवसाय करने वाले जो दुकानदार हैं, डेयरी है, दवाइयों का व्यवसाय करने वाले जो दुकानदार हैं, फार्मेसी है, इन्हें खुली रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन बाज़ार पूरी तरह से बंद रहेगा। पिछले हफ्ते भी इस प्रकार के वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा जो है वो महानगर पालिका की तरफ से की गई थी। उन दो दिनों में भी बाज़ार पूरी तरह से बंद रहे थे, लेकिन नागरिक जो हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आए थे। आज भी लगभग वैसा ही चित्र है। इस समय हम नागपुर के महाल इलाके में गांधी गेट के पास का जो बाजार है, ये पुराने नागपुर का इलाका है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह से बंद है, लेकिन नागरिक जो हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं। महानगर पालिका की तरफ से नागरिकों की आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन नागरिकों से अपील की गई है कि वे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर भी जो नागरिक हैं वो अपने अपने कामों के चलते जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस तरह का वीकेंड लॉकडाउन कितना सफल हो पाएगा और इससे कोरोना का संक्रमण है वो कितना रुक पाएगा, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन फिलहाल नागपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन, बाजार और दुकानों से संबंधित लॉकडाउन जो है वो लागू किया गया है। इसमें नागरिकों की आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन अगर नागरिकों को बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकले, इस प्रकार की अपील महानगर पालिका द्वारा नागरिकों से की गई है। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, ABP न्यूज़, नागपुर। ABP News, आपको रखे आगे।